अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे और ढेरों खुशियों से नवाजे, आमीन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ खुले बाजुओं के डिज़ाइंस। इसमें हर तरह की स्लीव डिज़ाइनिंग दिखाई जाएगी कि आप कैसे बाजुओं को शेप दे सकते हैं, कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, किन लेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किन बटन या टसल्स, मीन डोरी, मीन हर तरह की डिज़ाइनिंग आपको इस वीडियो में आज देखने को मिलेगी। आपको इसके साथ साथ यहाँ पे हर सूट्स के बारे में भी बताया जाएगा। यहाँ पे जिस तरह के बाजू बनाए गए हैं उनको कैसे डेकोरेट किया गया है, वहाँ पे किस तरह की डिज़ाइनिंग की गई है और कौन सा वर्क किया गया है, आपको इस वीडियो में वो भी देखने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पे खुले बाजू जो दिखाए गए हैं वो ए लाइन शेप के अलावा यहाँ पे बेल शेप में, स्पीकर शेप में, हर तरह के यहाँ पे बाजुओं की डिज़ाइनिंग दिखाई गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि उनको किस तरह लेस की मदद से डेकोरेट किया गया है या किन बटन और टसल से। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी खुले बाजू दिखाए गए हैं उनके आगे ज़्यादातर शटर लेस या चुनट प्लेट डाल के, या उनके ऊपर कोई मोती या टसल्स लगा के, या उनको दरमियान से खुला रख के ऊपर मोती लगा के आगे चुनट डाल के, या उन्हें कफ की शेप दे के उनको बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे कटावर वाली लेसिस का इस्तेमाल किया गया, चौड़े पट्टे वाली, कोई गोटे की पट्टी की डोरी, या कोई वहाँ पे टसल्स लगा के, या दरमियान में वहाँ पे चुनट डाल के और आगे उन्हें बेल शेप दे के उन्हें बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पे जितनी भी डिज़ाइनिंग दिखाई गई है वो ज़्यादातर आपको लेसिस और बटन की मदद के अलावा वहाँ पे चुनट्स का इस्तेमाल करके, या वहाँ पे छोटी छोटी प्लेट जिगजैग फॉर्म में डाल के हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शेप दे के उसको बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। फ्रेंड्स, इन सब डिज़ाइनिंग से ना कि हम अपनी पर्सनैलिटी, लेकिन हमारे सूट की जो पर्सनैलिटी है वो और ही ग्रूम होती है और ही एनहेंस होती है। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। जैसी भी लगी हो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और आपको कौन सा डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया हो वो कमेंट सेशन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।